अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद है। मेरी ये वालदा है मोहम्मदी बेगम। हम लोग याकूतपुरे में रहते हैं। मेरे वालदा को स्टमक में पेल्विस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसके लिए सर्जरी कराना ज़रूरी है बोले डॉक्टर्स। हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फिरे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स फिरे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतना बजट बोल रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे वो चीज़। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वाइट कार्ड पे हम लोग कराते हैं बोले इलाज, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो प्रोसीजर। उन लोगों ने अवेलेबल नहीं है कहते। हमारे वालदा ऐसे उठ नहीं सक रहे हैं, पका नहीं सक रहे हैं, ना कपड़े धो सक रहे हैं, उनको चलने नहीं आ रहा मेरे वालदा को। और मैं मेरे वालिद साहब डेली वेजेस का काम करते, कमाए तो हम लोग खाना है डेली के घर के किराए में सौदों में निकल जाता हम लोग का, जितना भी सैलरी आती वालिद साहब की। हम लोग तीन भाई है। हम लोग ऐसो पढ़ते हैं अभी, लेकिन मेरे वालदा को ऐसो सीसी श्रफ करने लेके गए बरकतपुरा, वहाँ इलाज कराने के लिए लेके गए तो डॉक्टर्स ऐसो 70,000 रुपीज़ ऐसो रिकमेंड करे कि सर्जरी के लिए ये जल्द से जल्द सर्जरी कराओ बोले मेरे वालदा की। लेकिन हम लोग के उतने पैसे नहीं हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो हाज़रीन जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारी मदद करिए, और खुसूसन अमजदुल्ला ख़ान साहब से गुजारिश है कि आप भी हमारी मदद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम।